हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक से जो कि है अंडरस्टैंडिंग इंटरफेस बिटवीन होम कम्युनिटी एंड स्कूल। और ये जो पार्ट है इसमें हम लोग कवर करेंगे कि क्या क्या इंटरफेस होता है, किस तरह से होता है, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जब हम लोग बात करते हैं होम कम्युनिटी एंड स्कूल के बारे में। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपको बताती हूँ अ स्कूल कम्युनिटी इंटरफेस होता क्या है। इट इज़ बेसिकली अ कोलैबोरेशन बिटवीन ऑल स्टेक होल्डर्स। ऑल स्टेक होल्डर्स मतलब जो जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं यहाँ पे, जो जो इम्पॉर्टेंट हैं, जैसे कि स्कूल कम्युनिटी एंड फैमिली। ठीक है, तो अगर हम स्कूल कम्युनिटी इंटरफेस की बात करते हैं तो बेसिकली सब साथ में मिलके वर्क करते हैं, कोलैबोरेशन होता है इन सब के बीच में। नाउ फैमिलीज मतलब इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू इंश्योर दैट ऑल हु लिव इन एन एरिया आर रिप्रेजेंटेड एंड वेरियस फैमिली ग्रुप्स आर रिप्रेजेंटेड एज वेल। तो जब हम लोग फैमिली की बात करते हैं, जो लोग उस पर्टिकुलर एरिया में रह रहे हैं हम उनको भी देखें, उनको हम समझें, और जो स्कूल है यानी कि सपोज किसी भी एरिया में जो इंस्टीट्यूशन है जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर्मल एजुकेशन के, उसको भी इंक्लूड करें। एंड कम्युनिटी में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है, जैसे कि पब्लिक एंड प्राइवेट मनी फैसिलिटीज, ह्यूमन एंड सोशल कैपिटल जिसमें आपकी हेल्थ एंड सोशल सर्विसेज, बिजनेस रिक्रिएशन जो आप कुछ टाइम के लिए अपने आप को यू नो रिचार्ज करने के लिए यूज़ करते हो, कल्चरल एंड यूथ डेवलपमेंट ग्रुप, लाइब्रेरीज, जस्टिस एंड लॉ एनफोर्समेंट, रिलीजियस कम्युनिटी इंस्टीट्यूशन, सर्विसेज, क्लब्स, मीडिया इंस्टीट्यूशन, ऑल दीज थिंग्स, ये सारी की सारी चीज़ें हमारी आ जाती हैं कम्युनिटी के अंदर। ठीक है, तो ये चीज़ें हुई फैमिलीज, स्कूल एंड कम्युनिटी की। नाउ आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के समझते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं। इट इज इंक्रीजिंगली बीइंग फेल्ट दैट स्कूल फैमिलीज एंड कम्युनिटी शुड वर्क क्लोजली, सॉरी देयर इज अ मिस्टेक, ये कम्युनिटीज है। तो हमें ऐसा लगा है कि जो स्कूल्स हैं, फैमिलीज हैं और कम्युनिटी हैं, उनको साथ में मिलके वर्क करना चाहिए ताकि वो अपने गोल्स को अचीव कर सके। ठीक है, इन सबको मिलके साथ में काम करना चाहिए ताकि एक रिस्पेक्टिव गोल की तरफ सब बढ़ सके। नाउ आजकल क्या हो गया है ना, आजकल वर्ल्ड बहुत चेंज हो रहा है, एवरीथिंग इज चेंजिंग। और वर्ल्ड चेंज होने का मतलब केवल टेक्नोलॉजिकली नहीं, बट जिस तरह से पहले लोग रहते थे और अब लोग रहते हैं उसमें जमीन आसमान का फर्क है। ठीक है, पहले बहुत ज़्यादा जॉइंट फैमिली सिस्टम प्रेविलेंट था, बहुत ज़्यादा देखा जाता था, लोग बहुत साथ में रहते थे, फ़ोन कम यूज़ होते थे, हर चीज़ इतनी मॉडर्नाइज नहीं थी, मॉडर्न नहीं थी। काफ़ी चीज़ों का फ़र्क अब पड़ा है और ज़रूरी है, क्योंकि इतनी परेशानियां यू नो अब हो रही हैं। जैसे कि जॉइंट फैमिली सिस्टम में तो चलो ठीक था, बट कई सारी साइकोलॉजिकल इमोशनल प्रॉब्लम हो रही है, स्ट्रेस है आजकल लोगों को जो लोग रह रहे हैं, सिंगल पेरेंटिंग क्योंकि एक पेरेंट कोई बच्चे को संभाल रहे हैं, वॉयलेंस इंक्रीज हो रही है, कई सारे सेक्शुअल फिजिकल एंड इमोशनल अब्यूज के यू नो केसेस बहुत बढ़ रहे हैं। तो ऐसे में इम्पॉर्टेंट है सोसाइटी के लिए कि सारे इंस्टीट्यूशंस एंड स्टेक होल्डर काम करें एक साथ इन अ क्लोज कनेक्शन। ठीक है, आपस में मिलके काम करें। ईच प्रॉब्लम इज लिंक्ड विद द अदर, हर प्रॉब्लम को दूसरी प्रॉब्लम के साथ लिंक किया गया है। अ सिंगल सॉल्यूशन कैन नॉट वर्क एंड टू मेक इट वर्क इट इज इम्पॉर्टेंट दैट अ फ्यू थिंग्स आर नीड टू बी टेकन केयर ऑफ एंड इन अ कोलैबोरेटिव मैनर। एक सिंगल सॉल्यूशन काम नहीं कर सकता एंड उसको काम करवाने के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कुछ चीजों का ध्यान रखा जाए। फ्यू थिंग्स आर नीडेड टू बी टेकन केयर ऑफ इन अ कोलैबोरेटिव मैनर, यानी कोई एक नहीं करेगा ये काम, सब मिलकर करेंगे। ठीक है, नाउ एन इंटरफेस बिटवीन देम बिकम्स इम्पॉर्टेंट एंड इम्पेरेटिव फॉर द फॉलोइंग रीजंस। क्यों जरूरी है एक कोलैबोरेशन का होना, इंटरफेस का होना आपस में? देखिए, सबसे पहली बात तो इससे स्कूल्स को बहुत हेल्प मिलेगी, स्कूल्स इंप्रूव होंगे एक पॉजिटिव वे में। ठीक है, अच्छा अकेडमिक रिजल्ट आएगा, अच्छा अकेडमिक आउटकम देखने को मिलेगा। फैमिलीज के बीच में स्ट्रेंथनिंग, यू नो फैमिलीज काफ़ी स्ट्रांग होंगी एंड नेबरहुड में यू नो यू विल सी द स्ट्रेंथनिंग, और स्टूडेंट की प्रॉब्लम रिड्यूस होगी। ठीक है, नाउ बेटर हैंडलिंग ऑफ द स्टूडेंट्स प्रॉब्लम, यानी कि बच्चों की जो प्रॉब्लम है वो ज़्यादा अच्छे से हैंडल होगी। इसमें क्या होगा, पेरेंट्स स्कूल रिलेशनशिप अच्छा होगा एंड पेरेंट्स कॉन्ट्रीब्यूशन इन स्कूल प्रोजेक्ट डिसीजन मेकिंग, ये सब काफ़ी ज़्यादा बेटर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि पेरेंट्स स्कूल, कई बार क्या होता है ना कि सपोज एक बच्चा पढ़ रहा है तो कई बार स्कूल वाले पेरेंट्स को ब्लेम करते हैं, पेरेंट्स स्कूल को ब्लेम करते हैं, तो ऐसे में वो चीज़ें काफ़ी बेटर होंगी जब सब मिलके काम करेंगे, डिसीजन मेकिंग में हेल्प मिलेगी और कॉन्ट्रीब्यूशन इन स्कूल प्रोजेक्ट्स, यानी सपोज स्कूल में कोई चीज़ें चल रही है, एडवाइस चल रही है, तो पेरेंट्स भी अपना इनपुट दे पाएंगे। ठीक है, ये काफ़ी हेल्प करेगा रिड्यूस करने में सोशल प्रॉब्लम जैसे कि ड्रग्स,
स्कूल गैंग एक्टिविटीज, वॉयलेंस, बुलिंग, स्मोकिंग, एल्कोहल, जो कि बहुत कॉमन हो गई है, इन सब चीज़ों के साथ डील करने में हेल्प मिलेगी अगर एक प्रॉपर इंटरफेस होगा बिटवीन डिफरेंट स्टेक होल्डर्स. ठीक है, नाउ इससे क्या होगा, अब कुछ चीज़ें क्या होता है, जब आपको कुछ भी चीज़ सपोज सेट करनी है, आप एक अच्छी सी लाइब्रेरी सेट करना चाहते हैं बट यू नीड सम अमाउंट ऑफ फंडिंग या कुछ, तो अगर ये तीनों चीज़ें आपस में होंगी, कम्युनिटी जिसे हम बोल गए या फिर हम बोलते हैं होम स्कूल या जितनी भी और चीज़ें हैं, वो सब मिलके काम करेंगे तो बहुत सारे डिसीजन इजी हो जाएंगे. जैसे कि पार्क्स को लेके, गार्बेज कलेक्शन को लेके, डिस्पोजल को लेके, कम्युनिटी लाइब्रेरीज को लेके, कम्युनिटी हॉल्स एंड सर्विसेज को लेके, पोल्यूटिंग यूनिट्स, कमर्शलाइजेशन ऑफ हाउसिंग, इंडस्ट्रियल एंड एजुकेशनल एरियाज एंड एटसेट्रा. तो ये सारी चीज़ें क्या होंगी, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी, अच्छी रहेंगी एंड आपको जिस इसे ना सॉल्व होंगी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा. पहले जैसा नहीं रहेगा कि आप मतलब बस एक जना डिसीजन ले रहा है, लेकिन सब फटाफट क्विक डिसीजन ले पाएंगे. नाउ कुछ एग्जांपल्स मैं दे देती हूँ इस इंटरफेस के. जैसे सपोज हम बात करते हैं स्कूल क्या फैमिली को हेल्प कर सकती है. कई बार नहीं पता होता पेरेंट्स को बहुत सारी चीजें, तो बहुत सारी वर्कशॉप्स कंडक्ट कराई जा सकती है स्कूल के द्वारा. किसके लिए, पेरेंट्स के लिए. उसके अलावा चाइल्ड केयर की फैसिलिटी स्कूल प्रोवाइड कर सकता है कि आप अगर कहीं जा रहे हैं आप बच्चे को यहाँ छोड़ सकते हैं, या बहुत सारी और वर्कशॉप्स प्रोवाइड कर सकते हैं. जॉब से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं कि ये चीज़ें हैं. फूड रिलेटेड वर्कशॉप्स की बच्चे को क्या दीजिए, डाइट में आप क्या कर सकते हो, क्या क्या रेसिपीज हैं. सो ऑल दीज थिंग्स कहीं ना कहीं बच्चे को पे स्कूल करा रहा है, लेकिन फैमिली को हेल्प मिल रही है. नो एक और एग्जाम्पल मैं वाइस वर्सा कर देती हूँ, फैमिली कैसे हेल्प कर सकती है. सपोज एक इवेंट आ रहा है, स्कूल बहुत अच्छे से वो इवेंट करना चाहता है, तो स्कूल के पास शायद इतना बजट नहीं है, तो पेरेंट्स अगर सपोर्ट करें, ना कि पैसे देके बट वो अपने दोस्तों को बोल के या किसी तरह से कहीं से फंड अगर इकट्ठा करवाएं तो काफी हेल्पफुल रहेगा. फील्ड ट्रिप सपोर्ट काफी रहता है कि अगर अगर पेरेंट्स कहते हैं कि चलो हम भी एकम्पनी कर लेंगे और ये रहेगा, इन चीजों में बहुत हेल्प मिल जाती है. टीचर को आप क्लासरूम में असिस्ट करो, ये भी बहुत हेल्पफुल रहता है. सो ऑल दीज थिंग्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ इंटरफेस जो कि कम्युनिटी, स्कूल, फैमिली सबके बीच में देखने को मिलते हैं. सो आई थिंक दैट वॉज इट. अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, आपको 1% भी फायदा हुआ हो, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा. नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको बहुत सारे प्लेलिस्ट के लिंक मिलेंगे जिसको आप चेक कर सकते हो, एंड इन प्लेलिस्ट में आपको अलग अलग टॉपिक्स पे, सब्जेक्ट्स पे वीडियोज मिलेंगी. एंड वेबसाइट को भी चेक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, वेबसाइट का लिंक भी मैंने नीचे दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. एंड उसके अलावा कोई वीडियो आप देखना चाहते हो जो अभी तक अपलोड नहीं हुई है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं. थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, सी यू नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो.